इधर आओ बैठो इधर। तुम चुपचाप मुझे 10 लाख दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। 10 लाख? क्या 10 लाख? अगर आप मुझे 50 लाख भी देंगे ना तो भी मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मैं काम करता हूँ, मैं मेहता साहब को बुलाता हूँ, वही आपको समझाएंगे। मेहता, तू क्या हमको समझाएगा? अरे हमने सब अपनी आंखों से देखा है। मेहता साहब, आपने दोस्ती का यही पाठ सिखाया, आप तो सुधरे हुए हैं, इनको क्यों बिगड़ने दिया? अरे आप लोग तो इस तरह से बात कर रहे हैं मुझसे जैसे जेठालाल को मैंने सिखाया और रासलीला करना। अरे रासलीला, ये क्या बोल रहे हैं आप मेहता साहब? आप मेरा बचाव करना है या इनको मेरे खिलाफ और भड़काना है? अरे भड़का नहीं रहा हूँ, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। समझाओ समझाओ। हाँ हाँ, अरे आप लोग समझने की कोशिश करो, जेठालाल थोड़े से शौकीन जरूर है, लेकिन शौकीन मतलब खाने पीने के। वो बोलो भाई ऐसा आप। वही वही, मेरे कहने का मतलब ये है कि थोड़े से शौकीन जरूर है लेकिन इस तरह का काम कभी नहीं करेंगे, इनके पांव कभी नहीं फिसलेंगे। देखा, मेहता साहब कभी झूठ नहीं बोलते। मेहता भाई, अगर ये आपके दोस्त है तो मैं भी आपकी बहन जैसी हूँ, मेरे प्रति आपका कोई फर्ज नहीं। आपको लगता है मैं झूठी हूँ तो आप बस एक बार मुझे बोल दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। बोलिए मेहता साहब, बोल दीजिए कि ये झूठी है, चली जाएगी, बोलो। नहीं, अगर आप बोलेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी, फिर उसके जिम्मेदार आप ही होंगे। अरे जेठालाल, मैं तो इस लड़की को जानता भी नहीं हूँ और ये मेरे भी गले पड़ रही है भाई, क्या ये? अरे समझ में नहीं आता क्या मुसीबत है। तुमने बताया तुम्हारी दुकान पे काम करती थी। हाँ। तो भाई तुम दोनों के अलावा वहाँ नटू काका भी तो होंगे, उन्होंने तो सब देखा होगा ना कि तुम दोनों के क्या संबंध है। अरे ये बात मेरे दिमाग में से कैसे निकल गई? क्या बात है, वेरी गुड मेहता साहब, मैं नटू काका को बुलाता हूँ, उनके आते ही इसका झूठ पकड़ा जाएगा। बिल्कुल, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ अंजलि। अरे नहीं नहीं नहीं, बस 5 मिनट में आ रहा हूँ, शो के टाइम पे पहुंच जाऊंगा, बिल्कुल चिंता मत करो। आ रहा हूँ, फोन रखो। हाँ जेठालाल, मैं थोड़ा चलता हूँ। अरे नहीं नहीं मेहता साहब, ऐसे कैसे जा सकता है मुझे मझधार में छोड़ के? अरे जेठालाल समझने की कोशिश करो, मैं खुद मझधार में हूँ। अंजलि के कुछ रिश्तेदार आए हुए, मैंने फिल्म दिखाने का वादा किया था और बहुत मुश्किल से टिकट मिले हैं भाई। फिल्म भी क्या है बताते, बहुत अच्छी फिल्म है, घर वाली से अच्छी बाहर वाली। अरे तो बाहर जाके खर्चा करने की क्या जरूरत है, ये तुम्हारा दोस्त वही पिक्चर यहाँ फुकट में दिखा रहा है। अरे नहीं चाचा जी, ऐसी बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करो, अभी नटू काका आएंगे और सब कुछ समझा देंगे। जेठालाल बिल्कुल निर्दोष है, ये मैं जानता हूँ। अरे वो मैं भी जानता हूँ, ये लोग नहीं मानते हैं ना। अरे ये सब मान जाएंगे जब नटू काका आके समझाएंगे, है ना। ऑल द बेस्ट, मैं चलता हूँ चाचा जी। जाओ जाओ। अच्छा भाभी, नमस्ते। नटू काका को फोन करता हूँ। सोरी भिड़े बोल रहा हूँ, जल्दी से मेरे घर पर आ, सवाल मत पूछ, जल्दी से आ, मैं बताता हूँ तुमको। हाँ चल जल्दी। हाँ बस जय श्री कृष्ण बापू जी, सेठिया आ गया। अरे आ गया, कितना टाइम लगा दिया आपने नटू काका? पगार बढ़ाने की बात करनी है? वो बात हम बाद में करेंगे, पहले आप इधर आओ और मुझे ये बताओ ये कौन है? ये स्वीटी है, अपनी दुकान में 7 दिन काम कर चुकी है। आज पहचान लिया नटू काका, अब तेरी पोल खुलेगी लड़की। नटू काका, अभी बापू जी को आप बताइए ये लड़की कैसी है? बड़ी प्यारी है। ए? बाबूजी, ये जानवरों से बेहद प्यार करती है। वो तो पता है, रोड पर से कुत्तों को बुला बुला कर सारा दिन बिस्कुट खिलाया करती रहती है। अरे बिस्किट की बात जाने दीजिए, आप बापूजी को ये बताइए नटू काका, ये लड़की दुकान में क्या करती थी? वो तो आप जानो, आपने इसे नौकरी पे रखा था। लेकिन हाँ बाबूजी, इस लड़की की वजह से मेरे और सेठ जी के बीच में एक दिन बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। क्या?
क्योंकि सेठ जी मुझसे ज्यादा पगार स्वीटी को देते थे। क्या? वो अब बोल किसकी बोल खुल रही है, ये थप्पड़ पप्पा क्यों हो रहा है? बापू जी मैं इसको ज्यादा पैसे इसकी खूबसूरती के लिए दे रहा था। क्या पापा जी मत बोलना, पूरी बात सुन। मैं मतलब क्या है बापू जी, इसको रखा था इसीलिए। क्या खूबसूरत लड़की अगर काउंटर के पीछे होती है तो ज्यादा लोग आते हैं खरीदी करने के लिए। अब ये इनको देख के खरीदी करने कौन आएगा? अच्छा तो लड़की खूबसूरत है तो एक घंटा लेट भी आ सकती है। बाबू जी ये लड़की उस दिन एक घंटा लेट आई थी तो भी सेठ जी कुछ नहीं बोले, और मैं सिर्फ 5 मिनट लेट आया था तो मुझ पर बरस पड़े, मुझे डांटने लगे। क्यों? अरे बापू जी इसने मुझे अगले ही दिन बता दिया था कि दूसरे दिन वो एक घंटा लेट आने वाली है। आप भी उस दिन एक घंटा लेट आए थे, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे लेकिन मैं आपको क्यों बताऊं? अच्छा वो जाने दो। बाबूजी 26 जुलाई को जोरदार बारिश हुई थी ना, उस दिन ये स्वीटी को घर छोड़ने गए थे और मुझे तो पूछा तक नहीं। दुकान के माली पे मुझे सोना पड़ा, सारी रात मच्छर खा गए। बोलो बोलो इस बात का जवाब है आपके पास? हाँ इस बात का जवाब है मेरे पास। अरे उस रात तुमने ही मुझे बोला था कि दुकान से आते वक्त टप्पू को हसू भाई के घर से लेके आना, तो हसू भाई का घर है स्वीटी के घर के बाजू में ही था। मिल गया जवाब? और नटू काका मैंने आपको इधर घर में जो आग लगी है उसके ऊपर पानी डालने के लिए बुलाया है, आप पेट्रोल क्यों डाल रहे हैं? आप वो सब छोड़ो, खाली बापूजी को इतना बताओ कि मैंने ये लड़की को दुकान से निकाला था क्यों? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा 26 जुलाई को बारिश में मैं इसको घर तक छोड़ने गया था वो याद है, है? इसको ज्यादा पकड़ दे रहा हूँ वो याद है, है? इसको एक घंटा लेट आया और आपको डांटा वो याद है, लेकिन ये बात याद नहीं है आपको? हाँ आया आया याद आया, वो कुछ मोबाइल की बात चल रही थी, आपने ये लड़की को मोबाइल गिफ्ट दिया था। क्या? माता जी मत बोलो, पूरी बात सुनो दया, मैंने मोबाइल गिफ्ट नहीं दिया था बापू जी, वो तो मैंने इसको चोरी करते हुए पकड़ा था। ये दुकान से नया मोबाइल अपने पर्स में छुपा के जा रही थी घर, मैंने पकड़ा, बोले पर्स दिखाओ, पर्स खुला तो अंदर से नया मोबाइल बापू जी, तो ये नटू काका के सामने बोलने लगी कि इन्होंने तो मुझे ये मोबाइल गिफ्ट दिया है। याद आया नटू काका, याद आया? ऐसा मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा। ये काम करो आप जाओ, आप घर जाओ, चलो। तो आया हूँ तो जाऊंगा ना, पर सेठ जी जिस बात के लिए आपने मुझे फोन करके खास बुलाया वो बात तो की नहीं, पगार बढ़ाने की। ठीक है कल से आपका पगार 5 रुपया बढ़ गया बस। थैंक यू, आज 5 बढ़ा है कल 500 बढ़ेगा। चलो निकलो। जय श्री कृष्ण। चलता हूँ। चलो चलो चलता हूँ स्वीटी, बाद में मिलेंगे। तेरी सगाई हो गई? सगाई के पंचायत मुखी तो छूटा छड़ा के नौबत आ गई है। चलो 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 घर जाओ नटू काका, चलो। नॉनसेंस, किस लिए बुलाया है तो क्या बापूजी? ये नटू काका की उम्र हो गई। अरे चुप हो जा जेठिया, बस अब बहुत हो गया, अब मुझे तेरी कोई भी बात नहीं सुननी है। किसे फोन कर रही हो दया? आपको मतलब? फोन का बिल मैं भरता हूँ, मतलब मतलब क्या? अमीरा! नहीं नहीं तुम्हारा फोन खराब नहीं हुआ है, मैं रो रही हूँ। वीरा तुम्हारे जीजा जी ने दुकान में काम करने वाली एक चिपावली के साथ लफड़ा किया है, मैं ऐसे लफड़ाबाज लटुड़े पटुड़े आदमी के साथ नहीं रह सकती, तो मुझे अभी यहाँ से आकर ले जा। ये प्रा क्या हुआ है? जेठालाल के घर से आज बहुत आवाजें आ रही है,
तो मैंने यहाँ क्यों बुलाया? अरे तू समझा नहीं, उसके घर में जरूर कुछ लफड़ा हुआ है, कुछ खिचड़ी पक रही है, चलो जाके देखते हैं। खिचड़ी पक रही है? ओ इसमें देखना क्या है यार? अरे सोड़ी तू समझा नहीं, उसके घर से जोर जोर से झगड़े की आवाजें आ रही है। अच्छा तन्नू क्यों पता? क्या हुआ, आज सुबह ही दया भाभी और चंपक चाचा कहीं बाहर जाते हुए मुझे मिले और उनके जाने के थोड़ी देर बाद एक खूबसूरत लड़की आई जो जेठालाल का एड्रेस पूछ रही थी। क्या बात कर रहा है? हाँ मुझे लगता है कि ये झगड़ा जरूर उस लड़की की वजह से हुआ है। पर यार किसी के कार के झगड़े में जाना चंगा नहीं लगता। अरे क्या बात कर रहा है सुड़ी, अरे जेठालाल जेठा प्रा अपना पड़ोसी यार, अपना जिगरी दोस्त है, उसकी हर मुश्किल में उसके हर झगड़े में उसकी मदद करना अपना फर्ज बनता है। ये बात है, चल फिर यार चलिए। चल चल चल। अरे बहू तू रो मत, इस जेठा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि सात जन्मों तक कोई लफड़ा नहीं करेगा। बापूजी मैंने इस जन्म अभी कोई लफड़ा नहीं किया है। चुप रहे, लटू की बातों से ये पक्का हो गया है कि तू झूठ बोल रहा है। बापूजी ये मुझसे पैसे लेने के लिए सब नाटक कर रही है। यानी आप इसको और मेरे पैसे भी देते हैं? ये भगवान तू क्या उल्टा ही समझती है, तू चुप करने दया, चुप कर, तू चुप कर। बापू जी मेरे, अब कौन आया होगा? अरे बहू रोना बंद करो, बाहर दरवाजे पे कोई आया है। और सुनो, घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि यहाँ क्या हो रहा है। और एक बात, कोई भी आए उसके सामने हमें हंसते रहना है। हाँ नमस्ते चाचा जी। अरे भिंडी मास्टर, आओ आओ आओ। सोड़ी कैसे हो? बढ़िया। नमस्ते चाचा जी। नमस्ते नमस्ते। बना क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ अचानक? और सुना है आपके यहाँ खिचड़ी पक रही है क्या? कुछ भी बोलता है चाचा जी ये। अरे हम नहीं बोल रहे थे कि बहुत दिनों से दया भाभी के हाथ की चाय नहीं पी, चाय पीने आए हम लोग। अच्छा अच्छा चाय। चाय। बापूजी दूध तो खत्म हो गया है। भिंडी मास्टर ले, दूध तो खत्म हो गया अब। अब अरे आप वही है ना जो नीचे एड्रेस पूछ रही थी? मिल गया आपको एड्रेस? ये भिड़े। एड्रेस मिला तभी तो घर पे है ना। पर बहन जी है कौन, पहले तो देखा नहीं इनको। इनके रिश्तेदार। बहू। इनके रिश्तेदार। रिश्तेदार है हमारी। बोलो और कुछ? नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। तो फिर चलते हैं हम लोग। चलो सोड़ी रोशन को याद देना मेरी। हाँ। चलो भिंडी मास्टर माधवी को भी मेरी याद देना। चलो बस अबे गए। बापू जी आप मेरा यकीन क्यों नहीं करते, मैं सीता जी की तरह पवित्र हूँ। आप जो चाहे वो अग्नि परीक्षा में देने को तैयार हूँ, जो टेस्ट करवाना है वो करवाने को मैं तैयार हूँ। वो पेपर में आता है ना वो क्या नार्को टेस्ट, वो लाई डिटेक्टर टेस्ट, वो ब्रेन मैपिंग टेस्ट, वो ब्लड टेस्ट, यूनिट टेस्ट, जो बोलो वो है। हाँ उससे उससे साबित हो जाएगा कि मैं सच बोल रहा हूँ बापू जी। तो चलो। किधर? वो सब अब जो टेस्ट बोले ना वो करवाने। अरे कहीं जाने की जरूरत नहीं है ए भाई, तू कुछ भी कर ले, अब हम लोगों को तुझ पे एक पैसे का भी भरोसा नहीं है।
अगर आपको मेरी किसी भी बात पर भरोसा नहीं है बापू जी, तो अब मेरे पास पुलिस को बुलाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। पुलिस? हाँ पुलिस, POLICE पुलिस। नहीं नहीं, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? क्यों क्यों, अब क्या हुआ? देखिए बापूजी, मैं एक शरीफ खानदान से हूँ, मेरी भी कोई इज्जत है। अगर आप पुलिस को बुलाएंगे तो मेरी बदनामी होगी और साथ ही साथ आप लोगों की भी बदनामी होगी और दुनिया को पता चलेगा। क्या वो आपको चलेगा? हाँ हाँ चलेगा, हमको चलेगा। अब तो बापूजी देखो, देखा आपने, डर गई। कैसी डर गई? पुलिस के नाम से। अब तो मैं पुलिस को बुलाता ही हूँ। पुलिस इसको हथकड़ी पहना के अदालत में खींच के लेके जाएगी और अदालत में जब वकील तुमको पूछेंगे कि बताओ क्या सबूत है तुम्हारे पास कि जेठा और तुम्हारा चक्कर है, तब क्या सबूत दिखाएगी ये, उसी वक्त ये पकड़ी जाएगी। वाह, अभी मैं बुलाता हूँ पुलिस को। एक मिनट, सबूत चाहिए ना आपको? एक मिनट, अभी दिखाती हूँ। ये देखिए दीदी, आप खुद ही देखिए। तो क्या मेले में खोया हुआ तेरा भाई है? ये? मेरा एक और भाई भी है। चुप कर। जेठिया जेठिया, ये क्या किया तूने? अरे ये तूने क्या किया? कहां से लेकर आई ये फोटो? अपने बनिए की दुकान पे किलो के भाव से मिलता है, वहां से लाई है। कहां से लाई है वाली? अब बुलाना पुलिस को। जी, मेरी माँ को पता चलेगा तो क्या कहेगी? अबे तेरी माँ को यहाँ बीच में क्यों ला रही है तू? मम्मी मम्मी, मुझे बहुत भूख लगी है। मम्मी, ये आंटी कौन है? पापा, आप ये क्या छुपा रहे हो? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। अरे पापा बताओ ना, आप क्या छुपा रहे हो? किधर, कुछ नहीं छुपाया मैंने। पीछे? पीछे किधर? अब इस परिस्थिति में मैं आज आपसे क्या बात करूं, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। जेठालाल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि दिखाओ सबूत, और स्वीटी ने दिखा दिया सबूत, दिखा दिया एक चित्र जिसमें जेठालाल उनके साथ है और टप्पू ने ये फोटो देख लिया है। हालांकि देखा तो दया भाभी और चंपक चाचा ने भी है, लेकिन टप्पू ने देख लिया, ये थोड़ी सी टेंशन की बात है। अगर कोई पुत्र अपने पिता का इस तरह का कोई चित्र देख ले तो फिर क्या होगा, परिस्थिति क्या रुख लेगी, क्या मोड़ लेगी ये कहानी। तनाव बहुत ज्यादा है, लेकिन आप जानते हैं ना कि हर तनाव की दवा है एक ही चीज, वो है हंसी। तनाव में मैं भी हूं इस वक्त, लेकिन अब ये कहानी मोड़ क्या लेती है मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा, और मुझे पता भी नहीं है। पता करने के लिए आपको और मुझे मिलके देखना पड़ेगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हेलो दोस्तों, आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट सबसे पहले चाहिए ना? चलिए YouTube सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें।